हेलो दोस्तों, आज की हम शॉर्ट ट्रिक वीडियो में बताएंगे आपको बौद्ध संगीत के प्रमुख सम्मेलन स्थल के नाम कैसे याद रख सकते हैं आप क्रम से, और इसके संरक्षक के भी नाम हम बताएंगे आपको कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक की मदद से। लास्ट में हम बताएंगे उसकी ट्रिक कैसे याद आप रखेंगे, संरक्षक का नाम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं तो अपने हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ। तो कैसे स्थल के नाम याद रखेंगे देखेंगे, राज, वैशाली, को पटाकर, कश्मीर घुमाने ले जाओ। राज वैशाली को पटाकर कश्मीर घुमाने ले जाओ। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसमें हुई थी? राजगृह में। देखिए हम यहां लिख दे रहे हैं राजगृह। कौन से सन में हुई थी? ये नीचे लिखा गया है ऊपर राजगृह। कौन से सन में हुई थी? 483 में। ईसा पूर्व में हुई थी, कहां पर? राजगृह में। इसके संरक्षक कौन थे? अजात शत्रु। इस संरक्षक के नाम भी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे लास्ट में, देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में कैसे नाम याद रख सकते हैं आप। तो दूसरा क्या था हमारा स्थान? वैशाली। तो द्वितीय किस्मत, तो देखिए इसके 100 साल गैप याद रखिएगा, 100 साल बाद ही। तो 383 ईसा पूर्व में कौन से स्थान पर हुआ था? वैशाली। इसके संरक्षक कौन थे? काला शोक थे। संरक्षक के नाम हम बार बार बता रहे हैं, इसको हम लास्ट में बताएंगे आपको ट्रिक। वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो राज वैशाली को पटाकर, पटाकर से क्या होगा? पाटलिपुत्र या पटना, जिसका नाम अब पटना हो गया है, इसी को आजकल कहते हैं पटना। ठीक है, तो देखिए यहां 100 का गैप था, तो यहां 125 के गैप बना लीजिए, मतलब 125 के आसपास। तो कितना आएगा? 250 ईसा पूर्व। ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो संरक्षक का यहां पे संरक्षक कौन था? अशोक था। और नाम को याद रखने की ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप संरक्षक के नाम याद कर सकते हैं। चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथा कहां पे हुआ था? कश्मीर में, या कुंडलवन इसी को कहते हैं। पुराना इसका नाम था क्या? कुंडलवन। तो देखिए समय कैसे हम याद रखेंगे, यहां पर गैप 100 का था, यहां 125 का था, तो यहां 150 का लगभग आसपास रहेगा। तो 98 ईसा पूर्व होगा। और यहां पर देखिए स्थल क्या हो जाएगा? कश्मीर या कुंडलवन, आप इसे कह सकते हैं कुंडलवन। और यहां पे संरक्षक कौन था? कनिष्क थे। कनिष्क थे संरक्षक। अब चलिए हम संरक्षक के नाम कैसे याद रख सकते हैं इसकी ट्रिक हम बताते हैं आपको, कैसे आप इसके नाम याद रखेंगे। तो नाम याद रखने की ट्रिक है आजाद, आजाद कल, तुम, अशोक और कनिष्क से मिलना। से मिलना आप लिख लीजिए। तो पहला क्या था? आजाद से आजाद शत्रु। कल से हो जाएगा काला शोक, और अशोक से अशोक ही होगा, और कनिष्क से कनिष्क। बौद्ध धर्म का विभाजन कौन से में हुआ था? चतुर्थ संगीति हुआ था, जिसमें हीन यान महायान में दो में इसको विभाजित कर दिया गया था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप फिर से देख लीजिए कैसे नाम इस लोग याद रखेंगे। राज वैशाली को पटाकर कश्मीर घुमाने ले जाओ। तो पहला क्या हो जाएगा? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्री, चौथा क्या होगा? कश्मीर।